नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उनसे पूछा गया कि सुशील मोदी ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जब आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो भाजपा ने उन पर कार्रवाई किया था, आपको भी चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, यह सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। कितने दिनों तक एक ही बात को खींचते रहेगा, यह कोई एजेंडा है क्या? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी से चीन पहले ही परेशान था। अब भारत के एक और नए कदम से वो बौखला गया है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जापान पहुंची है। इस बात की जानकारी मिलते ही बौखलाहट में चीन ने कहा कि जापान और भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों की चीन के खिलाफ बढ़ रही सैन्य महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा रामचरितमानस विवाद पर जिस तरह से संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ बताते हुए किसी को भी अपनी बात रखने की अधिकार होने की बात कही गई है, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम की संविधान को लेकर समझ पर ही सवाल उठा दिए। मीडिया के साथ बातचीत में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संविधान की बात करने वाले परिवार ने खुद आज तक कितना इसका पालन किया है, यह बात बिहार का हर व्यक्ति जानता है। विश्व आर्थिक मंच ने सोमवार को अपने मुख्य अर्थशास्त्री पूर्वानुमान सर्वेक्षण में कहा कि 2023 में वैश्विक मंदी आने की आशंका है। हालांकि इस दौरान खाद्य, ऊर्जा और मुद्रास्फीति का दबाव चरम पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र की कुछ अर्थव्यवस्थाओं वैश्विक रुझानों से फायदा मिल सकता है। इन रुझानों में विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं का चीन से दूर रहना शामिल है। डीएलएड के प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए जारी 3 चयन सूचियों और प्रथम स्पॉट नामांकन के बाद रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए द्वितीय स्पॉट नामांकन के तहत आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 19 जनवरी तक किया जा सकता है। इस बारे में सूचना 15 जनवरी को जारी की गई थी। यह जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर भी अपलोड है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। इसके बाद शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। मोदी की इस स्पीच को मार्गदर्शन वक्तव्य कहा गया है। इसके बाद 2 दिन की यह मीटिंग खत्म हो जाएगी। जिले के कुछ थानेदार फरियादियों की शिकायत पर संजीदगी नहीं दिखा रहे, तभी तो एक पीड़िता ने सोमवार को पटना पहुंचकर सीएम से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री के गृह प्रखंड हरनौत के गोकुलपुर ओपी की रहने वाली एक 20 साल की लड़की की शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, तब युवती ने इसकी शिकायत सीधा राज्य के मुख्यमंत्री से कर दी है। युवती को बीते 3 महीने से एक लड़का परेशान कर रहा है, अश्लील बातें करते हैं, बात नहीं करने पर तेजाब डालने और फोटो वायरल करने की भी धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सोमवार को राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जून में चीन द्वारा प्रस्ताव पर रोक लगाने के बाद यह बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा है कि 16 जनवरी 2023 को सुरक्षा परिषद समिति ने ISIL, अलकायदा और संबंध व्यक्तियों से संबंधित प्रस्तावों 1267, 1989 और 2253 के अनुसार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्टों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बिहार के गया पहुंचे जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने महागठबंधन पर उसके ही घटक के द्वारा बयानबाजी करने वालों पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को थूक फेंक कर चाटने की आदत वाला बताया और कहा कि वह 5 महीने चले गए थे, फिर पार्टी क्यों ज्वाइन की। वहीं जोशीमठ मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों के लिए अच्छी खबर आई है। आने वाले समय में बैंकों को ऋण में नुकसान का अपना अलग मॉडल बनाने की मंजूरी मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भेजे गए एक प्रस्ताव के अनुसार बैंक ऋण देने वाला धन को अलग रखने की नई प्रणाली के तहत 5 साल तक उच्च प्रावधानों को विस्तार दे सकेंगे। RBI ने सोमवार को सार्वजनिक किए गए एक दस्तावेज में कहा कि वह ऋण जोखिम का मॉडल तैयार करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जिन पर बैंकों को विचार करना होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 3 डेक वाली नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया। हालांकि पर्यावरणविदों और संरक्षणविदों के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन की आवाज को नुकसान पहुंचा सकती है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार छोटे खुदरा विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर कर्ज देने की योजना बना रही है, साथ ही इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों को आसान बना सकती है। दो अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम आगामी चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। ये ऐसे विक्रेता है जिनका कारोबार दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के कारण प्रभावित हो रहा है। देश के 10 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य खाता सौंपा गया है।
सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने यह जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल के रूप में भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ा है। भारत और ब्रिटेन ने सोमवार को दोनों देशों के भविष्य के संबंधों को लेकर रोडमैप 2030 को लागू किए जाने की दिशा में हुई प्रगति सहित रक्षा कारोबार, आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच संपर्क, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को यहां शांति और विकास के लिए आतंकवाद को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया और कहा कि भारत तथा केन्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। श्री बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद प्रतिनिधित्व मंडल केन्या और तंजानिया के दौरे पर है। श्री बिरला ने केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ के साथ बैठक के दौरान ये बातें कही। कनाडा जाने की सोच रहे भारतीय डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। कनाडा की सरकार अपने देश में विदेशी डॉक्टरों के आने की राह को आसान बनाने जा रही है। कनाडा की सरकार ने विदेशी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को प्रैक्टिस और लाइसेंस देने के प्रोसेस में बदलाव करने का मन बना लिया है। इसके लिए मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण लंबी दूरी पर चलने वाले ट्रेनों और लेट चल रही है। ऐसे में इन ट्रेनों से टिकट बुक करवाने वाले यात्री को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन यात्रियों के सामने ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर या फिर रेलवे रिटायरिंग रूम में समय व्यतीत करने का विकल्प होता है। रेलवे की तरफ से दी जाने वाले रिटायरिंग रूम की सुविधा के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। आरआर के लिए 20 से 40 रुपए चुकाकर आप सुविधाजनक तरीके से ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। बजट से पहले कई बैंकों ने ग्राहकों की जेब ढीली करने की प्लानिंग बना ली है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के केनरा बैंक ने भी अपने सभी डेबिट कार्ड के सर्विस चार्जों में इजाफा कर दिया है। बैंक नोटिफिकेशन के मुताबिक रिवाइज सर्विस चार्ज 13 फरवरी से लागू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बैंक ने सालाना फीस से लेकर कार्ड के रिप्लेसमेंट, डेबिट कार्ड इनएक्टिविटी चार्ज और मैसेज अलर्ट के चार्ज पर भी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। देश का आम बजट 2023 पेश होने में अब कुछ ही समय बाकी है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के रूप में 1 फरवरी को लगातार 5वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अगले साल आम चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। निर्मला सीतारमन ऐसे समय में बजट पेश करेंगी जब वैश्विक आर्थिक गतिविधि व्यापक रूप से स्लो डाउन का सामना कर रही है। इस बीच आपको बजट से जुड़ी एक खास बात बताते हैं। दरअसल देश का बही खाता तैयार करने के दौरान इस काम में जुटे अधिकारी करीब 10 दिन कैद में रहते हैं। उन्हें मंत्रालय से बाहर यहां तक कि अपने घर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। आर्म्स डीलर संजय भंडारी को ब्रिटेन से भारत लाने का रास्ता साफ दिख रहा है। ब्रिटेन की कोर्ट के बाद अब ब्रिटिश सरकार ने भी भंडारी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। यह आदेश ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया है। अब भंडारी के पास 12 जनवरी से सिर्फ 14 दिन का समय रह गया है। इतने समय में वह कोर्ट या गृह मंत्री के आदेश के खिलाफ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पित करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। पंजाब के होशियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के सीएम भगवंत कि सरकार को रिमोट कंट्रोल वाली सरकार करार दिया था। उनके इस आरोप का जवाब देते हुए पंजाब के सीएम मान ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। मुझे सीएम पंजाब की जनता ने बनाया है, आपने नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 122वां दिन है। यात्रा आज पंजाब के होशियारपुर पहुंच गई है और वहां से टांडा के लिए रवाना भी हो गई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में खतरे का अलर्ट दे दिया है। इसके लिए एजेंसियों ने राहुल गांधी को कश्मीर में पैदल यात्रा न निकलने तक की सलाह दे दी है। शेयर बाजार में ऑयल एंड गैस सेक्टर और इससे जुड़ी कंपनियों के शेयरों में आज उछाल देखा जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि सरकार ने आज कच्चे तेल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती का ऐलान कर दिया है। इससे ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयरों में तेजी लौटी है। विंडफॉल टैक्स की जारी की गई दरें 17 जनवरी 2023 यानी आज से लागू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख जिन पियरे लैक्रोइक्स ने सोमवार को अबेई में भारत से महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी की तैनाती का स्वागत करते हुए कहा कि महिला सैनिकों का मतलब कुशल संचालन है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारत से महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी को अबेई में तैनाती में हमें बहुत खुशी हुई। शांति रक्षक के रूप में अधिक संख्या में महिलाओं की तैनाती का अर्थ है अधिक कुशल संचालन और वे उन लोगों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने में मदद करते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। जैसे जैसे भारत विनिर्माण, खपत और आईटी क्षेत्र में एक वैश्विक पावर हाउस बनने की ओर बढ़ रहा है, भारतीय विद्युत उद्योग के विशेषज्ञों ने देश की विद्युत उत्पादों को वैश्विक मानकों का पालन करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।
उनका विचार है कि यह सही समय है जब भारत सरकार को गंभीर होने और उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन के मामले में चलता है कि मानसिकता से दूर रहने की आवश्यकता है। इसने अंततः उपयोगकर्ताओं के जीवन को खतरे में डाल दिया है क्योंकि देश के विद्युत सुरक्षा मानदंडों में बहुत कम उन्नयन और सुधार हुआ है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर चल रही बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट करते हुए एक सिफारिश की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में संविधान के आर्टिकल 217 का जिक्र करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सिफारिश करता हूं कि वे संविधान के अनुच्छेद 217 को पढ़ें, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यह सीजीआई और उनकी गठित समिति का विशेषाधिकार है। भाजपा की सोमवार को शुरू हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा में जीत की हैट्रिक का लक्ष्य रखा गया है। पहली गैर कांग्रेस पार्टी के रूप में दो बार बहुमत हासिल कर चुकी भाजपा लगातार तीसरी जीत से नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहती है। हालांकि फिर से केंद्र की सत्ता हासिल करने की भाजपा की राह चुनौतियों के साथ संभावनाओं से भी भरी हुई है। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह का कोलकाता में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द हो गया था। इसके बाद भारी विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अरिजीत ने मुर्शिदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव रखा है, इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। बीबीसी की तरफ से बनाई गई सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन में नरेंद्र मोदी पर बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव और 2002 के दंगों में मारे गए 1000 लोगों के लिए उनकी भूमिका पर सवाल किए गए। यह सीरीज अब लोगों के निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स बीबीसी से सवाल कर रहे हैं कि वे इंग्लैंड के क्रूर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के खिलाफ ऐसी सीरीज क्यों नहीं बनाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण पैदा हुए संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, इसलिए इसमें दखल देना सही नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, नुन्नू गोलू कुमार, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, प्रदीप दास, राजकिशोर कुमार, मृत्युंजय कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार, विशाल कुमार, संजय चौधरी, जुबैर आलम, कुमार आकाश, एमडी नौसाद रजा, एमडी सद्दाम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, याचिकाकर्ता द्वारा जोशीमठ में जमीन के धसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।